हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डनिंग फायर। मैं मीनाक्षी मान दिल्ली से। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले अपने प्लांट्स में कुछ खाद दी थी। ज़्यादा तो मैं दे नहीं पाई थी, मैंने सिर्फ एक ही खाद दी थी अपने प्लांट्स में, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। मेरे प्लांट्स में सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और जिन प्लांट्स में ग्रोथ रुकी हुई थी उनमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और मेरे जो अडेनियम्स के प्लांट हैं उनमें देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ तक कि मुझे इनकी रिपोर्टिंग भी करनी थी, लेकिन अब फ्लावरिंग हो रही है तो मैं इस फ्लावरिंग को ख़त्म होने का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद मैं अपने अडेनियम्स को रिपोर्ट करूँगी। तो मैंने इन प्लांट्स में कौन सी खाद दी थी, चलिए बताते हैं। मैंने जो है 15 दिन पहले इन सभी प्लांट में सिर्फ DAP डाला था। कुछ दाने गमले के हिसाब से मैंने प्लांट्स में जो है DAP डाल दिया था। तो DAP से हमारे जो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग होने में बहुत ही मदद करता है। जिन पौधों में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है ना, आप DAP के कुछ दाने डाल दीजिए और उसका रिजल्ट आपको 15 दिन बाद ही देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई थी बोगनवेलिया की और आप इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं। येलो कलर का बोगनवेलिया मेरे पास नहीं था तो मैंने इसकी कुछ कटिंग लगा दी थी और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक जो है गार्डन के जो हमारे काम हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें सभी प्लांट्स में इस टाइम पे खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। पौधों की ग्रोथ इस टाइम पे बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए उनको खाद की भी ज़रूरत होती है। देखिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और मैं इस टाइम पर जो है अपने प्लांट्स में खाद भी डाल रही हूँ। कुछ उसका अपडेट भी है। खाद डालने से पहले आप जो है गमलों की थोड़ी थोड़ी 2 से 2 या 1.5 इंच तक की मिट्टी ज़रूर निकालिएगा। उनको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में ज़रूर छोड़िएगा, ताकि जो है धूप हमारी जो प्लांट्स की जड़ों पे अंदर जो भी कीट होंगे या फिर इंसेक्ट जो भी होंगे वो सब उससे मर जाएंगे। तो इसमें मैं अपने प्लांट्स में जो खाद डाल रही हूँ वो देखिए वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट की मैं 3 से 4 मुट्ठी गमले के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, और उसके बाद जो है 1 मुट्ठी नीम खली, जिससे कि हमारी जो मिट्टी में प्लांट में इंसेक्ट लग जाते हैं वो इससे हमारे प्लांट में नहीं लगेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें ये 1-1 चम्मच जो है बोन मील पाउडर भी डाल रही हूँ। आप गमले के हिसाब से डाल सकते हैं, कम भी और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बोन मील पाउडर क्या होता है, हमारे पौधों में फ्लावरिंग में बहुत अच्छी मदद करता है। अगर आप बोन मील पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कैल्शियम का कोई और सोर्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो बोन मील होता है कुछ लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हड्डियों का चूरा होता है, तो बहुत से लोग इसको यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। और देखिए, सभी प्लांट्स मेरे जो बोगनविलिया के पूरे फ्लावर से भर चुके हैं। अभी मैंने इनमें DAP के अलावा कोई भी खाद ऐड नहीं की है। तो धीरे धीरे मैं अपने प्लांट्स में जो है खाद जो डालने का प्रोसेस है वो कर रही हूँ। अभी मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी वीडियो भी लेट हो रही है, मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ।